दिल्ली में पानी का प्रचंड प्रहार जारी है। जनता पानी के लिए तरस रही है। सरकार पानी मुहैया कराने में लाचार दिख रही है। 47 डिग्री तापमान की तरह सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी पानी की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। लगातार दिल्ली की सड़कों पर पानी को लेकर सरकार से सवाल कर रही है, मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। आज फिर दिल्ली के सभी सांसद और बड़े नेता सड़कों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बीजेपी 52 जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में एक वाटर क्राइसिस पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। 10 साल से आतिशी मार लेना दिल्ली में आपकी सरकार है। आप एक इंसिडेंट बता दें कि आपने किसी पे कोई कार्रवाई की हो। पिछले 10 साल से पानी की चोरी हो रही है, पानी की बर्बादी हो रही है, वाटर पाइप से पानी लीकेज हो रहा है। आप ये बताएं ना कि पिछले 10 सालों में आपने क्या काम किया पानी की बर्बादी। दिल्ली में आज जो पानी का संकट है वो अरविंद केजरीवाल और इनके भ्रष्ट मंत्री और जो इनके विधायक है जो पानी बेचने और चोरी का काम करते हैं, ये संकट उनके द्वारा खड़ा किया गया है। आतिशी इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूँ जिसने भी जो भी पाइपलाइन तोड़ता हो पाया था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कौन रोक रहा है इनको?